पृष्ठ संख्या चौवालीस जो लिखना था वह लिखा गया अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबिला कीजिए शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त जन्म सन अट्ठारह ग्राम गुड़ियानी जिला रोहतक हरियाणा प्रमुख संपादन अखबार ए चुनार हिंदुस्तान हिंदी बंगवासी भारत मित्र आदि प्रमुख रचनाएं शिव शंभू के चिट्ठे चिट्ठे और खत खेल तमाशा मृत्यु सन 1907। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई बाद में उन्होंने हिंदी सीखी विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की मगर स्वाध्याय से काफी ज्ञान अर्जित किया वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है बालमुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है साथ ही उसमें व्यंग्य विनोद का भी पुट दिखाई पड़ता है उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे अनस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई पृष्ठ संख्या पैंतालीस विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है यह पाठ वाय सराय कर्जन जो 1899 से 1904 एवं 1904 से 1905 तक दो बार वायसराय रहे के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए नए नए आयोग बनाए गए किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था हर स्तर पर करजन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए पाठ में भारतीयों की बेबसी दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वॉयस यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता चुलबुलापन संजीदगी नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही यह एक साहसिक गद्य का भी नमूना है